हेलो घोस्टली आर्मी, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं 1988 में आई एक और कल्ट क्लासिक साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है दे लिव, जिसको जॉन कारपेंटर्स दे लिव के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि वो जी रहे हैं। और यहाँ पर मैं किस ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ ये तो आप समझ ही गए होंगे। इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर हैं जॉन कारपेंटर। इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.3 स्टार्स आउट ऑफ 10। ये फिल्म 1963 में आई रे नेल्सन की शॉर्ट स्टोरी 8 o'clock इन द मॉर्निंग से इंस्पायर्ड है। अब फिल्म के रिलीज होने के टाइम पर इसको उतनी सक्सेस नहीं मिली, लेकिन पिछले 30 सालों में इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई और ये एक कल्ट क्लासिक इन्फ्लुएंशियल फिल्म बन गई। इस फिल्म से जुड़े हुए बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और शॉकिंग बातें मैं आपको फिल्म के एंड में बताऊंगा, सो प्लीज वॉच टिल द एंड। और दोस्तों, हाल ही में मैंने द इनह्यूमन किस फिल्म को एक्सप्लेन किया है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया थाई हॉरर रोमांटिक मूवी है, आप उसको जाकर जरूर देखें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहता हूँ। हालांकि ये साल अच्छा तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी आने वाले साल में एक अच्छे साल की मैं उम्मीद करता हूँ और ये इस साल की हमारी यानी कि गोस्ट सीरीज की तरफ से आखिरी वीडियो होगी। तो इस साल की आखिरी वीडियो होने के नाते इस वीडियो को आप ढेर सारा प्यार देना, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। और इस साल बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नए साल के तोहफे के रूप में आप सब्सक्राइब जरूर कर देना और आपके लिए फ्यूचर में इससे भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस आती रहेंगी। दोस्तों, आखिरी वीडियो में आपने ढेर सारे कमेंट्स किए, जिसकी वजह से हमारी वीडियो की रीच काफी ज्यादा पहुंच गई। तो इस बार भी आप ढेर सारे कमेंट्स करना, ताकि वीडियो की रीच नहीं रुकनी चाहिए और चैनल बढ़िया से चलना चाहिए। थैंक यू सो मच अगेन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक जॉबलेस होमलेस आदमी जॉन नाडा को लॉस एंजेलिस शहर में दिखाते हुए, जो कि वहां पर काम ढूंढते हुए आता है। वो सरकारी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाकर जॉब के लिए इंक्वायरी करता है, पर उसे वहां पर कोई भी जॉब नहीं मिलती। वहां से बाहर जाते टाइम वो एक ब्लाइंड प्रीचर को देखता है, जो ये कहता है कि उन लोगों ने पॉलिटिशियंस को, अमीरों को, पावरफुल लोगों को अपने वश में कर दिया है, हमें ग्रीड में रखा गया है, हमें गुलाम बनाया जा रहा है। तभी वहां पर पुलिस आती है और प्रीचर के इस प्रोग्राम को बंद कर देती है। जॉन उस रात को स्ट्रीट्स पर ही सोकर गुजार देता है और नेक्स्ट डे जॉन एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है, जहां पर उसे मजदूरी की जॉब मिल जाती है। वहां पर वो फ्रैंक नाम के एक और वर्कर से मिलता है, जो उसे अपने स्लम जैसे इलाके में रहने के लिए ले जाता है। ये सब इलीगल स्लम्स थे, जिसे शांति टाउन कहते थे, जहां पर कई सारे होमलेस लोग इकट्ठे रहते थे। वहां पर एक कम्युनिटी किचन भी था। इस स्लम्स के लीडर का नाम गिलबर्ट था, जो कि जॉन को वेलकम करता है। अब रात में दो होमलेस लोग टीवी देख रहे होते हैं। अचानक से ही टीवी ब्रॉडकास्ट हैक हो जाता है और एक ओल्ड गाय कुछ वार्निंग देने लगता है। वो ये कहता है कि कुछ महीने पहले साइंटिस्ट ने एक सीक्रेट ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल को ढूंढ निकाला है, जो कि लोगों की कॉन्शियसनेस को ड्रीम लाइक स्टेट में रख रहा है। इस सिग्नल से वो लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। इससे इनइक्वालिटी, इनजस्टिस बढ़ रही है। इसे रोकने का एक ही तरीका है। और तभी टीवी पर उसका ब्रॉडकास्ट रुक जाता है और रेगुलर प्रोग्राम स्टार्ट होने लगता है। जो लोग इस ओल्ड गाय के ब्रॉडकास्ट को देख रहे थे, उन्हें कुछ पल के लिए सरदर्द होने लगता है, इम्प्लाइंग कि यहाँ पर उस बूढ़े आदमी की बात में कुछ ना कुछ दम जरूर था। जॉन भी ये सब देख रहा था और वो यहाँ पर एक पैटर्न को नोटिस करता है। स्लम के पास में एक चर्च था, जहाँ पर वो ब्लाइंड प्रीचर वो ही इन सब बातों को बता रहा था, जो जो टीवी पर वो ओल्ड गाय कह रहा था। इट्स लाइक प्रीचर लिप सिंक कर रहा था। जॉन यहाँ पर गिलबर्ट को प्रीचर के साथ में चर्च में भी जाते हुए देखता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन सीक्रेटली गिलबर्ट को फॉलो करता है। चर्च में जाते ही जॉन को एक सीक्रेट साइंटिफिक लैब के बारे में पता चलता है, जहां पर कई सारे इक्विपमेंट्स, केमिकल्स और ब्लैक ग्लासेस थे। जॉन को एक वुडन रूम के पीछे ब्लैक ग्लासेस का एक बॉक्स मिलता है, जिसे वो वहीं पर छुपा देता है। बेसिकली ये चर्च टीवी पे आने वाले उस ओल्ड गाय का अड्डा था। वहां पर गिलबर्ट समेत काफी सारे लोग थे, जो कि इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात कर रहे थे। गिलबर्ट ये कहता है कि हॉफमैन लेंसेज से काम नहीं बनेगा, हमें और लोगों को अपने मूवमेंट के अंदर शामिल करना चाहिए। जॉन ये सब सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और तभी वो ब्लाइंड प्रीचर आकर जॉन को पकड़ लेता है। वो ये कहता है कि उसकी आंखें जरूर चली गई हैं, लेकिन ऊपर वाले ने उसे सही चीजों को देखना सिखा दिया है और वो वहां पर वापस जरूर आएगा, जिससे डरते हुए जॉन फौरन ही वहां से बिना कुछ कहे निकल जाता है। अब रात में पुलिस उस चर्च पर रेड कर देती है, प्रीचर और ओल्ड गाय को बुरी तरह से पीटती है। एक बुलडोजर से वो पूरे स्लम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। स्लम्स में रहने वाले अपनी जान के खातिर वहां से भाग जाते हैं और जॉन भी भागकर एक पुराने
पुराने घर में छुप जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो फिर से उसी चर्च में जाता है जहां पर सब कुछ बिखरा हुआ था। वो वहां पर छुपाए हुए सनग्लासेस बॉक्स को उठाकर चला जाता है। अब उस बॉक्स को वो एक ट्रैश कैन में छुपाता है और एक सनग्लास को पहनकर रोड पर आराम से निकल पड़ता है। लेकिन ये सनग्लास पहनते ही उसको एक अलग ही दुनिया दिखने लगती है। पूरी की पूरी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। हर जगह सूक्ष्म मैसेजेस थे, ओबे, कंज्यूम, रिप्रोड्यूस, सबमिट, नो थॉट, स्टे एस्लीप एंड कंफर्म। यानी ग्लासेस के बगैर देखने पर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन ग्लासेस के थ्रू देखने पर एक अलग ही दुनिया उसको दिख रही थी। ग्लासेस में से देखने पर जॉन को ये भी पता चल जाता है कि कई सारे इंसान एक्चुअली में एलियंस हैं, यानी कि उस ग्रुप के मेंबर्स हैं, यानी कि सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स। अब मैं यहाँ पर इनको एलियंस कहूंगा क्योंकि अगर उनका नाम लिया जाएगा तो ये वीडियो बैन हो सकती है। एलियंस ने अर्थ को टेक ओवर कर लिया है। बेसिकली सभी रूलिंग क्लास, अपर मिडिल क्लास इंसान एलियंस ही थे। एलियंस इंसानों में घुल मिल गए थे। एलियंस एक सिग्नल को ब्रॉडकास्ट कर रहे थे जो कि इंसानों के ब्रेन को ट्रिक कर रहा था, जिससे इंसानों को एलियंस भी इंसानों की तरह ही दिखते थे। जॉन को कुछ समझ नहीं आता कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। वो एक सुपरमार्केट में एक ओल्ड एलियन वुमन को कन्फ्रंट करता है तो वो अपनी सीक्रेट एलियन पुलिस को अलर्ट कर देती है। सभी एलियंस जॉन पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। बाद में दो एलियन कॉप्स जॉन को पकड़कर उससे पूछताछ करने लगते हैं। जॉन शॉक में उनको मारकर उनकी ही गन्स को लेकर भाग जाता है। वो एक बैंक में जाता है जहां पर कई सारे एलियंस कस्टमर्स और एम्प्लॉइज थे। वो कुछ एलियंस को अपनी शॉटगन से मारता है पर एक एलियन अपने एलियन टैग से हवा में ही गायब हो जाता है। इस हादसे के बाद में शहर की पूरी पुलिस फोर्स जॉन के पीछे पड़ जाती है। जॉन अब हॉली थॉमसन नाम की एक महिला को किडनैप करके उसके घर में चला जाता है। उसे सारी बात बताता है लेकिन वो डर में कुछ भी नहीं सुनती। वो जॉन को ट्रिक करके उसे अपने घर की विंडो से बाहर गिरा देती है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। जॉन अब मोस्ट वॉन्टेड की लिस्ट में नंबर 1 पर था। उसका फोटो टीवी पर हर जगह पर था। जॉन ट्रैश कैन में छुपाए हुए बाकी सनग्लासेस को लेने जाता है। तभी वहां पर फ्रैंक आकर उसे उसके एक हफ्ते की मजदूरी देता है, यानी कि उसको पैसे देता है। जॉन उसे भी ग्लासेस ट्राई करने के लिए कहता है पर फ्रैंक मना कर देता है। फ्रैंक उसे मर्डरर कहकर उससे दूर जाने लगता है। एज इन फ्रैंक जॉन की प्रॉब्लम से फंसना नहीं चाहता था, उसकी फैमिली थी और बच्चे थे। यहाँ पर फ्रैंक को कन्विंस करने के दौरान जॉन और फ्रैंक में एक लंबी फाइट होती है। फाइनली जॉन फ्रैंक को ग्लासेस पहनने पर मजबूर कर देता है और फ्रैंक को भी एलियंस को देखकर शॉक लगता है। वो अब जॉन की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है और तभी फ्रैंक एक होटल में रूम बुक करके गिलबर्ट को कॉन्टेक्ट करता है। गिलबर्ट अब उसी रूम में फ्रैंक और जॉन से मिलने आता है और उसे उनके नए अड्डे का एड्रेस देता है। जब ये दोनों नए एड्रेस पर पहुंचते हैं वहां उन्हें कॉन्टेक्ट लेंसेज दिए जाते हैं जिससे बिना ग्लासेस के ये एलियंस को देख सकते थे। अब गिलबर्ट के मूवमेंट में कई सारे लोग शामिल हो चुके थे, उनके पास गन्स और वेपन्स भी थे। फ्रैंक यहाँ पर एक आदमी की एक्सपेंसिव वॉच देता है जिसे वो टू वे रेडियो कहता है, लाइक एलियंस की वॉकी टॉकी। इसी के सहारे एलियंस एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, लेकिन एग्जैक्टली वो वॉच काम कैसे करती थी वो उनको नहीं पता था। यहाँ पर गिलबर्ट आए हुए सभी लोगों से ये कहता है कि हमें और लोगों को अपने मूवमेंट में शामिल करना चाहिए, हम कमजोर पड़ रहे हैं। एलियंस अब इंसानों को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं, उन्हें पैसे पावर का लालच दे रहे हैं और उनको कोलैबोरेटर्स कहते हैं। वो ये बताता है कि उसको किसी से ये पता चला है कि एलियन सिग्नल KRDA बिल्डिंग से आ रही है। इस पर हॉली ये कहती है कि नहीं, KRDA बिल्डिंग क्लियर है, वहां से कोई भी सिग्नल नहीं आ रही। जॉन हॉली को वहां पर देखकर सरप्राइज हो जाता है, जिस पर हॉली उससे माफी मांगती है। जॉन के जाने के बाद हॉली ने उस ग्लासेस को ट्राई किया था जिससे वो कन्विंस हो गई थी। तभी इन लोगों की सीक्रेट मीटिंग पर पुलिस की रेड होती है और वो सभी लोगों को मारने लगते हैं। यहाँ पर गिलबर्ट भी मर जाता है। जॉन और फ्रैंक अपनी जान बचाते हुए वहां से भागते हैं और एक बिल्डिंग के कॉर्नर में फंस जाते हैं। फ्रैंक एलियन वॉच को एक्सीडेंटली ऑन कर देता है जिससे एक पोर्टल ओपन होता है। कोई और ऑप्शन ना होने के कारण जॉन और फ्रैंक उस पोर्टल में घुस जाते हैं। इस पोर्टल के जरिए वो लोग अब एलियंस के हेडक्वार्टर में जाते हैं जहां पर एक पार्टी चल रही थी। वहां पर एलियंस और ह्यूमन कोलैबोरेटर्स मिलकर जश्न मना रहे थे, एज उन्होंने गिलबर्ट एंड कंपनी को मार डाला था। स्लम्स में ही रहने वाला एक आदमी अब एलियन कोलैबोरेटर बन गया था एंड वो जॉन फ्रैंक को वहां पर वेलकम करता है। वो ये कहता है कि एलियंस ने पूरे वर्ल्ड में इन्फिल्ट्रेट कर दिया है, हर देश की गवर्नमेंट्स में वो हैं। उनके साथ कोलैबोरेट करने वालों को वो सही से रखते हैं। वो कहता है कि मुझे ही देख लो, होमलेस से अब मैं पैसे वाला बन चुका हूँ, इट्स ग्रेट बिजनेस। वो एलियंस की फैसिलिटी का टूर कराता है जो कि बेसिकली KRDA बिल्डिंग थी जहां पर हॉली भी काम कर रही थी।
थी। अब सिग्नल ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पर जाकर जॉन एंड फ्रैंक सभी एलियंस को गोली से उड़ा देते हैं और बिल्डिंग के रूफ की ओर जाने लगते हैं, जहां पर रास्ते में उन्हें हॉली मिलती है। एलियंस इन पर हमला करके पीछा करते हैं और फाइनली जॉन रूफ पर जाकर उस सिग्नल को रोकने जाता है। तभी पीछे से हॉली उस पर गन दान कर ये कहती है कि मैंने फ्रैंक को मार दिया है, रुक जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी। हॉली यहाँ पर एक कोलैबोरेटर थी जिसने एलियंस को गिलबर्ट का नया एड्रेस बताया था, यानी कि वो ग्लासेस पहनकर एलियंस को देखने वाली बात सरासर झूठ थी। मुझे तो पहले से ही शक था। जॉन अब गुस्से में हॉली पर हमला करके उस ब्रॉडकास्टिंग एंटीना पर गोली चला देता है। तभी एलियंस हेलीकॉप्टर में आकर जॉन पर गोली चला देते हैं। जॉन एलियंस को मिडल फिंगर दिखाकर मर जाता है। एंटीना नष्ट होते ही दुनिया भर में आम लोगों को एलियंस दिखने लगते हैं। टीवी न्यूज रीडर के तौर पर, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट पर्सन, एक्ट्रेस, रिच गाइज एटसेट्रा के तौर पर, और वो फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी जॉन कारपेंटर्स दे लिव की कहानी। इस फिल्म में कई सारे हिडन मीनिंग्स हैं जिससे ये फिल्म एक इन्फ्लुएंशियल फिल्म बन जाती है। सबसे पहले तो आपको सीक्रेट सोसाइटी के बारे में तो यहाँ पर पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर क्या दिखाने की कोशिश करी गई है। और बात करें तो ये फिल्म तब के 80s में अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे रोनल्ड रीगन की इकोनॉमिक पॉलिसी को क्वेश्चन करता है। रीगनोमिक्स एक मशहूर इकोनॉमिक पॉलिसी है जहां पर लिबरलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया था। रिच एंड पावरफुल कॉरपोरेशंस पर टैक्स कम लगाया गया जिससे रिच और रिच हो गए और मिडिल क्लास ने सफर किया। यहीं से 1% रिच आबादी की शुरुआत हुई। रिच अमेरिकन्स को यहां पर एलियंस या फिर उस सीक्रेट सोसाइटी से कंपेयर किया गया है, एज इन वो आम लोगों की ग्राउंड रियलिटी से एलियनेट हो गए थे। फिल्म में यूज किया गया होमलेस स्लम एक रियल कैंप था जो कि रेगनोमिक्स की फेलियर को सूक्ष्म तरीके से बता रहा था, यानी कि सबलिमिनल तरीके से। 1980s में कंज्यूमरिज्म एक्सप्लोड हुआ। इन्वेंशन सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम करने के लिए हो रहे थे। मूवीज, टीवी शोज, म्यूजिक, क्लोथ डिजाइन, वीडियो गेम्स, पर्सनल कंप्यूटर्स जैसी नई चीजें लोगों को एडिक्ट कर रही थी, जो कि आज भी हो रहा है। टीवी पर एड्स भी अट्रैक्टिव हुए और वो आपको हर टाइम कुछ ना कुछ परचेज करने के लिए ही कह रहा था। फिल्म का मेन थीम यही है कि कैसे सेलिब्रिटी, रिच एंड पावरफुल लोग जो कि सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स हैं, वो आम लोगों को एडिक्ट कर रहे हैं। कैसे लोग किसी भी फिल्म स्टार के, स्पोर्ट्समैन के या फिर पॉलिटिशियन के फैन बनकर पगला रहे हैं। फिल्म के अंदर न्यूज मीडिया के सभी एंकर्स को एलियंस के तौर पर दिखाया गया है, यानी कि मीडिया ही लोगों को डायरेक्टली कंट्रोल करती है। बट इस मीडिया का कंट्रोल जो है वो ऊपर वाले लोग यानी कि सीक्रेट सोसाइटी के टॉप मेंबर्स के हाथों में है, यानी कि ये लोग उनके हाथों की महज एक कठपुतली होते हैं। ये फिल्म आज के दौर में सोशल मीडिया के इनफेमस पावर से फेमस हुई है। आज के दौर में हमें सोशल मीडिया कंट्रोल कर रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर एंड व्हाट्सएप पर पर्सनलाइज्ड फीड्स एंड एड्स आते हैं, जो कि हर इंसान को उसके टेस्ट के हिसाब से फीड दिखाते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताकि लोग उनके प्लेटफॉर्म में ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करें और वही कंज्यूम करें जो कि वो चाहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैम है। आपको यूट्यूब पर इससे रिलेटेड काफी वीडियोस मिल जाएंगी जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर जरूर देखना। दिन के 24 आवर्स में कोई ना कोई नोटिफिकेशन हमें आता ही रहता है, कोई ना कोई हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता ही है। अब फिल्म के अंदर मेन हीरो जॉन का नाम जॉन कहीं पर भी नहीं आता। जॉन एक ऑड नेम है जिसका स्पेनिश में मतलब होता है नथिंग। यहाँ पर जॉन को डायरेक्टर ने एक प्रो रेसलमैनिया मैच में देखकर हायर किया था। उन्हें एक ब्लू कलर वर्किंग मैन चाहिए था जो कि हट्टा कट्टा हो। रॉडी पाइपर जिसने जॉन का रोल किया है वो एक प्रो रेसलर था। वो भी अपने जिंदगी में कुछ दिन रियल में होमलेस रहा था। फिल्म के अंदर सबलिमिनल यानी कि सूक्ष्म मैसेजेस को यूज करके सोसाइटी पर कमेंट किया गया है और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि ये एक सीक्रेट सोसाइटी है। एक सीन में जॉन ग्लासेस के थ्रू करेंसी को देखता है जिस पर ये लिखा था कि दिस इज योर गॉड, यानी दुनिया में पैसा ही भगवान है, बाकी सब बेकार है। ये प्योर मटेरियलिस्टिक सोसाइटी को दिखाता है। और यहाँ पर खास बात यह है कि ये फिल्म HP Lovecraft की वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड की स्टोरी से भी इंस्पायर्ड है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म दे लिव की कहानी विद सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। यहाँ पर एलियंस के सहारे सोसाइटी पर कमेंट्री की गई है और यहाँ पर सीक्रेट सोसाइटी को भी दर्शाया गया है। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और मैं उन लोगों का नाम नहीं ले सकता क्योंकि YouTube उस वर्ड से यहाँ पर वीडियो को ही बैन कर देगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए।